नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूल कुमारी। आज मैं आपको बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की कहानी सुनाने वाली हूं, और इस कहानी का शीर्षक है साधु पर विश्वास। शुरू करें? हाँ हाँ, शुरू करो। ठीक है, सुनो। बहुत पुरानी बात है, हरियाणा के एक गांव में बाबा भारती एक छोटे से मंदिर में रहते थे, और उसी गांव के जंगलों में रहता था बहुत ही क्रूर डाकू खड़क सिंह। वो डाकू इतना खतरनाक था कि सारा गांव उससे कांपता था। बच्चों, खड़क सिंह का नाम सुनकर कुछ याद आया? मुझे आया। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बहुत अच्छे। जुबान को मरोड़ने वाला ये वाक्य भी इसी डाकू खड़क सिंह के नाम पे बना है। आओ आगे की कहानी सुने। बाबा भारती के पास एक बहुत बढ़िया घोड़ा था। वे उस घोड़े से बहुत प्यार करते थे और उसे सुल्तान के नाम से पुकारते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति डाकू खड़क सिंह के कानों तक भी पहुंच गई, और एक दिन दोपहर के समय वो बाबा भारती के पास जा पहुंचा। इतने सुंदर और बलवान घोड़े को देखकर उसे जलन हुई। उसने सोचा कि यह घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। वह बाबा संत इस घोड़े का क्या करेंगे? मैं डाकू हूँ, मुझे अच्छे घोड़ों की आवश्यकता रहती है। बाबा भारती का सब आदर करते थे, इसलिए डाकू खड़क सिंह ने भी उन पर जबरदस्ती नहीं की। उसने बाबा भारती को घोड़ा बेचने के लिए कहा, मुंह मांगी कीमत देने के लिए कहा। पर बाबा भारती को सुल्तान बहुत प्यारा था, वे उसे अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने डाकू खड़क सिंह को घोड़ा देने से मना कर दिया। तो खड़क सिंह क्या करता? वह उन्हें धमकी देकर चला गया। मैं ये घोड़ा लेकर ही रहूंगा बाबा। अब बाबा को इस बात से बड़ी चिंता होने लगी कि खड़क सिंह कभी भी आकर सुल्तान को ले जाएगा। वे दिन रात उसकी रखवाली करते, पर कई माह बीत गए, खड़क सिंह का कोई अता पता नहीं था, तो बाबा भी थोड़े निश्चिंत हो गए। एक दिन बाबा भारती शाम के समय अपने आश्रम जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक लंगड़ा साधु दिखाई दिया। साधु ने बाबा भारती से बोला, बाबा मैं लंगड़ा हूँ, मुझे गांव तक छोड़ दो, कृपया मुझे अपने घोड़े पर बैठा लो। बाबा भारती को उसकी दशा देखकर दया आ गई। उन्होंने साधु को अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद मालूम पड़ा कि वह साधु नहीं, डाकू खड़क सिंह है, जिसने लंगड़े साधु का वेश बनाया हुआ था। अब बीच जंगल में डाकू खड़क सिंह ने घोड़े पर अपना अधिकार जमा लिया और बाबा भारती को घोड़े से उतार दिया। डाकू खड़क सिंह जाने लगा तो बाबा भारती ने पीछे से आवाज दी, ठहरो खड़क सिंह, ठहरो, मेरी बात मान लो। डाकू ने घोड़ा रोका और बोला, बाबा आप पूरे गांव में वंदनीय हैं, मैं भी आपका आदर करता हूँ, आप आज्ञा दें, बस इस घोड़े को वापस नहीं दूंगा। बाबा बोले, सुल्तान मुझे प्राणों से भी प्रिय है, जिस पर तुमने छल से अधिकार कर लिया। गांव के मंदिर से तो तुम कभी इसे नहीं ले पाते, ठीक है ले जाओ, मैं इसे वापस नहीं मांगूंगा, परंतु मेरी एक बात याद रखना, इस घटना के बारे में तुम किसी को न बताना। तुम ये बात किसी को बताओगे तो कभी कोई किसी राह चलते साधु पर विश्वास नहीं करेगा, लोगों का नेकी से विश्वास उठ जाएगा, और कभी कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। बाबा ने गंभीर स्वर में बोला। खड़क सिंह बिना कुछ बोले घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां से चला गया। अब उसके पास सुल्तान था, जिसकी ताक में वो महीनों से था, पर उसे खुशी नहीं हो रही थी। वह पूरी रात सो नहीं पाया, रह रहकर उसे बाबा की याद आती रही। वह मन ही मन सोच रहा था, प्राणों से भी प्रिय घोड़ा छिन जाने पर भी बाबा भारती को घोड़े के दुख से भी ज्यादा भय इस बात का था कि मेरे इस छल कपट की बात फैलने से कहीं लोगों का नेकी से विश्वास न उठ जाए। रात भर सोचने के बाद खड़क सिंह सवेरे जल्दी उठा और बाबा भारती से अपने छल के लिए क्षमा मांगते हुए
सुल्तान को उसे लौटा दिया। बस इतनी ही थी आज की कहानी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा, बताओ? इस कहानी से हमने यह सीखा कि किसी का बुरा कर्म दूसरे को भी बुरा कर्म करने के लिए उकसा सकता है। जैसे अगर गांव वालों को डाकू के छल के बारे में पता चलता तो डर के मारे वो भी अनजान लोगों की सहायता करना छोड़ देते। बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार किसी के अच्छे विचार भी किसी बुरे व्यक्ति को अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि बाबा के विचारों से खड़क सिंह जैसे खतरनाक डाकू का भी हृदय परिवर्तित हो गया, है ना? इसीलिए अगर हम सब हमेशा अच्छे कार्य करेंगे तो हमारे आसपास के लोगों को भी अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छा, आपको तो ये कहानी अच्छे से समझ आ गई। तो अब हमेशा अच्छे विचार रखना और अच्छे काम करना, इसी संदेश के साथ मैं फूलकुमारी लेती हूँ आपसे विदा। जय माँ भारती।